गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से, और मैं आपके सामने क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 लेके, आप कह सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। इसमें हमने आपका लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंड देयर सेफ्टी इक्विपमेंट्स में, जिसमें हमने कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा और उसमें कुछ जो इक्विपमेंट्स सामान इस्तेमाल सेफ्टी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में पढ़ा, जो था आपका रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग एंड थर्ड इज ट्रैकिंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स रिवर राफ्टिंग। ठीक, देखिए अब इस रिवर राफ्टिंग आपका, नेक्स्ट आपका है पैराग्लाइडिंग एंड सर्फिंग। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए बात करते हैं रिवर राफ्टिंग की। फर्स्ट है आपका, देखिए रिवर राफ्टिंग इज ऑल्सो नेम्ड एज वाइट वाटर राफ्टिंग। इसका देखिए इसको और किस नाम से जाना जाता है, वाइट वाटर राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ए चैलेंजिंग रिक्रिएशनल आउटडोर एक्टिविटी यूजिंग ए बोट और राफ्ट टू नेविगेट ओवर द फ्लो ऑफ रिवर। देखिए इसमें ये बहुत ही आपका चैलेंजिंग रिक्रिएशनल आउटडोर एक्टिविटी, रिक्रिएशन मतलब कह सकते हैं आनंददायक कह सकते हैं, जिससे हमको खुशी मिलती है, यानी ये बहुत ही चैलेंजिंग आपका रिक्रिएशनल आउटडोर एक्टिविटी है, जिसमें हम क्या करते हैं राफ्ट की मदद से या बोट की मदद से, जो आपके जब कह सकते हैं रिवर का जो फ्लो होता है, जब तेज फ्लो होता है उसके ऊपर फ्लो करते हैं। ठीक, राफ्ट इज ए लाइट वेटेड मल्टी लेयर्ड रबरिश बोट फिल्ड विद एयर। देखिए राफ्ट क्या है, आपका एक लाइट वेट मल्टी लेयर जिसमें रबर के कई सारे लेयर्स होती हैं, जिसमें आपका एयर भरी होती है, जैसे आप देख रहे हैं ये आपका राफ्ट कहलाता है, जिस वो आपके पूरे कई रबर के कई सारे मल्टी लेयर्स होती हैं और इसमें एयर भरी होती है। इट्स चैम्बर इनेबलिंग इट इन इट टू फ्लोट ऑन वाटर, यानी इसके जो चैम्बर्स हैं उसको इनेबल करते हैं, मदद करते हैं किसमें, वाटर में फ्लो करने में मदद करते हैं। दिस इज यूजली डन ओवर फास्ट फ्लोइंग रिवर और स्ट्रीम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड थ्रिल, यानी ये आपका यूजुअली मतलब जनरली खास तौर पे ये आपका कहाँ पे, ये इसको आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आपका रिवर का फ्लो बहुत तेज हो, धारा बहुत तेज बहती हो, जिससे हमको बहुत ही थ्रिल और एक्साइटमेंट मिले, मतलब जिससे रोमांच हमको मिले जिसको राफ्टिंग करने में। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ दिस एक्टिविटी एज लिश्योर स्पोर्ट हैड बिकम पॉपुलर इन हिमालयन रिवर, यानी ये जो आपकी एक्टिविटी है ये एक तरह का लिश्योर स्पोर्ट्स है, मतलब कह सकते हैं ऐसा स्पोर्ट जिससे काफ़ी कह सकते हैं खुशी मिलती हो, आनंद मिलता, बिकम पॉपुलर इन हिमालयन रीजन्स, ये स्पोर्ट्स आपके हिमालयन रीजन में बहुत ही फेमस है, क्योंकि आप जानते हैं जब हमारी रिवर्स हिमालय से जब नीचे उतरती हैं तो बहुत तेज फ्लो में होती हैं, स्ट्रीम उनकी तेज होती है, तो इसीलिए रिवर राफ्टिंग वहाँ पे ज़्यादा आपको दिखाई देती है। दिस एक्टिविटी इज डेंजरस इफ सेफ्टी मेजर आर नॉट कंसिडर, ये देखिए ये एक्टिविटी बहुत ही डेंजरस होती है, लेकिन अगर कब, जब हम कोई सेफ्टी मेजर्स क्या कह सकते हैं, जब हम कोई सेफ्टी मेजर्स ना इस्तेमाल कर रहे हों तब। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं रिकी रिवर राफ्टिंग में हम कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी इंजरी कम हो सके। देखिए द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्टिविटी इज सेफ राफ्ट, सेफ देखिए सेफ राफ्ट मतलब यानी राफ्ट जो आप लिहाज में इस्तेमाल करेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए, यानी कहीं से फटा वटा नहीं होना चाहिए। स्विमिंग सूट यानी आपको स्विमिंग सूट जैसे आप जिसमें देख रहे हैं जो ऑरेंज कलर का, इसलिए पहन के होना चाहिए। ठीक, आप स्विमिंग सूट नीचे पहने होना चाहिए और ऊपर से आप देख रहे हैं ये लाइफ जैकेट होती है जो आपको पानी में डूबने से बचाती है। और देखिए राफ्ट पुश, देखिए राफ्ट पुश आप देख रहे हैं इस हाथ में देख रहे हैं, जिससे आप पानी को पीछे, जैसे नाव में पानी को पीछे करते हैं, तो वैसे ही आपका ये राफ्ट पुश कहलाता है। नॉलेज ऑफ स्विमिंग, इसमें देखिए इसके दौरान आपको स्विमिंग की नॉलेज होनी जरूरी है। मान लीजिए आप अगर राफ्ट से आप गिर जाते हैं तो अगर आपको स्विमिंग का नॉलेज है तो आप स्विम करके बाहर आ सकते हैं। ठीक, एंड फॉलोइंग द एक्सपर्ट और लाइफ गार्ड इंस्ट्रक्शन, जो आपका लाइफ गार्ड है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहेंगे,
एंड नॉलेज अबाउट रिवर फ्लो एंड इट्स कर्व, ठीक। और जिस रिवर में आप राफ्टिंग कर रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि उस रिवर का फ्लो कितना तेज है, वो उसके कहाँ कहाँ पे मोड़ पड़ते हैं और अपने सेफ डेस्टिनेशन पे कैसे पड़ते हैं। और एक चीज़ इसमें आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स में आप डाल सकते हैं आपका एक आप कह सकते हैं हेलमेट, ठीक है। आपका हेलमेट का इस्तेमाल देख रहे हैं, हेलमेट का देखिए इस्तेमाल किस तरह होता है। मान लीजिए आप कभी इसमें से एक्सीडेंटली गिर जाते हैं तो आप मान लीजिए किसी पत्थर से टकराते हैं तो अगर सर आप पर टकराता है तो ये आपके सर को इंजर होने से बचाता है, ठीक है। इसमें आप एक और चीज़ डाल देंगे, हेलमेट डाल देंगे। देखिए अब बात करते हैं हम सर्फिंग की, ठीक है। देखिए सर्फिंग आप जैसे देख रहे हैं सर्फिंग, ये देखिए क्या इसमें देखिए क्या करते हैं, ये एक ऐसा वाटर स्पोर्ट्स है जिसमें हम वाटर के वेव्स के ऊपर बैलेंस बना के सर्फ बोर्ड की मदद से ग्लाइड करते हैं हम, ठीक। देखिए इसको कहेंगे कि आगे देखिए, इट इज़ ए वाटर स्पोर्ट्स इन विच द वाटर राइडर्स रिफर्स एज सर्फ राइड ऑन मूविंग वेव बैलेंसिंग ऑन सर्फिंग बोर्ड। देखिए ये आपका एक तरह का वाटर स्पोर्ट्स है जो वाटर राइडर्स करते हैं किसमें, एज ए सर्फ राइड यानी सर्फ करते हैं मतलब वाटर के ऊपर जो वेव्स मूविंग वेव्स होती है जो ओशंस में उसमें जो राइड करने की कोशिश करते हैं बैलेंसिंग ऑन सर्फिंग बोट। जो सर्फिंग बोट है आपकी ये जो देख रहे हैं इसको सर्फिंग बोट, इसमें अपने आप को बैलेंस करते हुए जो आपकी जो वेव्स उठ रही हैं उसमें अपने आप को बैलेंस करते हुए सर्फिंग करते हैं। द वेव्स यूजली कैरी द सर्फर नियर द शोर, जो आपकी जो वेव्स होती हैं कि कई बार ऐसा होता है जो आपके जो सर्फर होता है उसको किनारे पर ले आती हैं। द वेव्स सुटेबल फॉर सर्फिंग एंड प्रीमिनेंटली फाउंड इन ओशन सी। देखिए ये वेव्स आपके देखिए सर्फिंग के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। प्रीमिनेंटली फाउंड ये कहाँ पे पाई जाती है, जनरली ओशंस में महासागरों में आप कह सकते हैं। सी का मतलब क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा समुद्र, लेक्स या रिवर्स इन फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव और टाइडल बोट, यानी ऐसी रिवर्स या लेक जिसमें आपके कुछ वेव्स बनती हों या टाइड बनती हों, ठीक है। तो ये आपका था सर्फिंग के बारे में। अब इसके आगे है आपका, अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स फॉर सर्फिंग, यानी जो सर्फिंग के दौरान हम कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारी जो कह सकते हैं आप जो हमारी इंजरी के चांसेस को रिड्यूस करता है। सबसे पहला आपका एक गुड सर्फिंग, आपकी जो सर्फिंग जो बोट होनी चाहिए बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि जो जिसमें आपका जो बैलेंस होना चाहिए, अगर बोट आपकी सही नहीं है तो आपका इससे बैलेंस आपका नहीं बन पाएगा, आप पानी में गिर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्विमिंग सूट एंड लाइफ जैकेट। अब देखिए ये आपका एक वाटर स्पोर्ट्स है इसीलिए आपको स्विमिंग सूट पहनना और लाइफ जैकेट पहनना आपको जरूरी है। मान लीजिए आपको तैरना नहीं आता है तो आपको जो लाइफ जैकेट पहनी है वो आपको डूबने से बचा सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा सर्फिंग के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा पैराग्लाइडिंग। देखिए पैराग्लाइडिंग क्या है, इट इज़ अ रिक्रिएशनल थ्रिलिंग एंड कम्पटेटिव एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ फ्लाइंग विद पैराग्लाइडर। देखिए ये आप एक तरह का रिक्रिएशनल या कम्पटेटिव एडवेंचर स्पोर्ट जिसमें हम पैराग्लाइडर्स की मदद से तैरते हैं, जैसे पैराग्लाइडर्स जैसे आप देख रहे हैं इस तरह का होता है, इसमें जो आपके किनारे किनारे दोनों किनारे सिरों पे दो दो लगे रहते हैं, दो दो जो रस्सियाँ बंधी होती हैं जिसमें आप किसी कोई जो पर्सन होता है वो बीच में बैठता है और इसको लेके वो स्लोप पे दौड़ता है, फिर वो दौड़ते हुए फिर ऊपर इसको कुछ दूर दौड़ने के बाद वो फिर एयर में आ जाता है, फिर जिसके बाद वो आपके पैराग्लाइडर जो होता है वो लॉन्च हो जाता है मतलब उड़ने लगता है। तो देखिए इसको समझिएगा, पैराग्लाइडर इज ए लाइट वेट फ्री फ्लाई फुट लॉन्च ग्लाइडर। जो पैराग्लाइडर है आपका जो बहुत ही हल्का सा फ्लाई फुट जो है फ्री फ्लाइंग है मतलब बहुत ही हल्का ऐसे कह सकते हैं ग्लाइडर है जो आपका आप कह सकते हैं फुट के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है, मतलब आप इसको कुछ देर लेके अगर दौड़ेंगे भी तो ये आपका उड़ने लगेगा लॉन्च हो जाएगा। दिस ग्लाइडर विथ नो राइडिंग प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, इसमें हमको एयरक्राफ्ट की मदद नहीं लगती है।
द पायलट सिट इन ए हार्नेस सस्पेंडेड बिलो ए फैब्रिक विंग्स। देखिए ये इसमें क्या होता है, जो पायलट होता है ये आपके एक हार्नेस लगा रहता है बीच में, जैसा आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें बैठा होता है और आपके जो विंग्स होते हैं उसमें कई सारे आपके जो वो कैसे रोप्स होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। विंग्स शेप्ड इज मेंटेन्ड बाय इट्स सस्पेंशन लाइन्स। देखिए जो आपके जो विंग्स से बनी हैं इसको इस तरह बनाया गया है कि ये इनका जो शेप में आपका कह सकते हैं बिल्कुल बैलेंस्ड हो, और ताकि जो पैरा आपकी जो पैराग्लाइडर है वो आसानी से बैलेंस हो सके। बाई स्किलफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ लिफ्ट द पायलट मे गेन हाइट, ऑफन क्लाइंबिंग टू एल्टीट्यूड ऑफ ए फ्यू थाउजेंड मीटर। देखिए हो सकता है कि आप कुछ बाई स्किल एक्सप्लोरेशन, देखिए अगर आप लेके एक स्किलफुल पैराग्लाइडर हैं तो आपको कुछ पैराग्लाइडर मान लीजिए आप नए हैं तो आपको जहाँ जो इंस्ट्रक्टर है उसके अगर अकॉर्डिंग चलते हैं ठीक, तो आपको सिंगल लाइफ गार्ड की मदद से वो आपको पैराग्लाइडिंग कराता है। He should consider safety measures during this activity. यानी जो आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपका इस दौरान जो आपके सेफ्टी मेजर्स होते हैं इस एक्टिविटी के दौरान उन पे आप कह सकते हैं ध्यान रखता है, उनका ध्यान रखता है जिससे आपको इंजरी ना हो सके। तो स्टूडेंट्स हमने आज एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा और उसमें हम कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जाना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे आपका बात करेंगे कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, यानी जो स्पोर्ट्स में इंजरी हो जो इंजरीज जो होती हैं उसके क्या क्या वजह होती हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।